राजकुमारी चंद्रमुखी हमारे कक्ष में, हमारे इतने निकट, हमारा सौभाग्य, हमारी वर्षों की तपस्या पूरी हुई है। महामहिम, आपको क्या लगता है कि युवती राजकुमारी चंद्रमुखी है अथवा नहीं? उसने कहा भी है कि किसी मायावी पुरुष ने गुप्त कक्ष में उसके रूप को बदल दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं उस जादूगर विचित्र सिंह ने अपने जादू से राजकुमारी चंद्रमुखी का ये हर्ष किया? बंद करने का आदेश दिया था, वो हुजूर अपने आप को राजकुमारी चंद्रमुखी बता रही थी। तो हुजूर, हमें लगा कि कहीं उसने हमारी प्रिय राजकुमारी चंद्रमुखी जी को कहीं लुप्त तो नहीं कर दिया। ईश्वर, आज मेरा विश्वास तुझसे उठने लगा है, उठने लगा है। आज तूने ही मेरे हाथों दो दिनों सैनिकों का रक्त बहाया है। क्यों तूने ये पाप किया है? तूने अब और कितनी परीक्षा लेगा मेरी? मेरी वजह से मेरी माँ ने हमेशा दुख देखा है, मेरी वजह से मेरे पिताश्री की दृष्टि चली गई। अब तो मुझसे और कितने अत्याचार कराएगा, कितने? अगर तूने मुझे इतना दुख देना ही था तो जन्म क्यों दिया? या तो मुझे अपने पास बुला ले, या तो मुझसे ये होने वाला अपराध बंद करा दे। अन्यथा याद रख, जब मैं सारे संसार से कहूंगा मुझसे पाप करवाने वाला तू है, केवल तू, उस दिन सारी दुनिया मुझे पूछना छोड़ देगी। मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं, सिर्फ मुझे मृत्यु दे दे, मृत्यु दे दे। मैं जीवन से हार गया हूं, मुझे मृत्यु दे दे। मैंने सब सुन लिया है युवराज, और जान गई कि जो भी कुछ हुआ है उसमें आपका दोष नहीं है। मैं ये तो नहीं जानती कि ईश्वर आपके साथ ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन इतना जरूर जान गई हूं कि आप एक भले युवराज हैं। मेरे हाथों तुम्हारे राज्य के दोने दो सैनिक मारे गए, ये जानने के पश्चात भी मेरे पास आने का तुम्हें मन नहीं लगता। इसमें आपका नहीं, आप पर जो अभिशाप है उसका दोष है। अमावस की काली रात के प्रकोप ने ही आपके हाथों रक्तपात करवाया है।
इसलिए मुझे आपके समीप आते कोई भय नहीं लगा। वैसे भी अंधेरा छटने वाला है, अब रात्रि का कोई भय नहीं। अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो तुमने देखा है, अगर तुम वो पहुंचा करके है तोगी तो मेरा मित्र नंद निश्चित है। तो मेरा वास्तविक रूप जाकर के है तो मुझे कोई चिंता नहीं। तो तुमने देखा है, अगर तुम रुपये हो जाकर कह दोगी तुम्हारा मित्र नंद निश्चित है। तुम मेरा वास्तव रूप जाकर कह दो मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे जीने की कोई लालसा नहीं। ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए युवराज, सत्य जानने के पश्चात मैं आपका हित सोच ही नहीं सकती। मैं आपकी सहायता करना चाहती हूँ युवराज, यदि आप अपने रूपनगर आने का उद्देश्य मुझे बताएंगे तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। क्या आप राजकुमारी को प्राप्त करने आए हैं अथवा कोई और उद्देश्य है? मुझ पर विश्वास कीजिए युवराज, मैं आपके उद्देश्य का रहस्य किसी को नहीं बताऊंगी और अपना धर्म समझकर आपके उद्देश्य की प्राप्ति में आपका साथ। किंतु मुझे एक बात बताइए, क्या आप भी अन्य युवराजों की तरह यहाँ राजकुमारी चंद्रमुखी को प्राप्त करने आए हैं? नहीं, मैं राजकुमारी चंद्रमुखी को नहीं, अभी तो कुछ और पाने के लिए आया हूँ। कुछ और प्राप्त करने आए हैं? किंतु रूपनगर में राजकुमारी चंद्रमुखी के अलावा ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके लिए आप हजार कोस कठिन यात्रा करके यहाँ आए? अपने पिताश्री के दर्शन करने के लिए उस फूल को प्राप्त करने आया हूँ जो चंद्रमुखी के महल के सिवाय और कहीं नहीं मिलता। क्या आप वो फूल प्राप्त करने आए हैं जिसे राजकुमारी चंद्रमुखी अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती है? हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे वही फूल प्राप्त करना है। चाहे वो चंद्रमुखी को कितना भी प्यारा करना तो उसी फूल से मेरे पिताश्री के दर्शन मिल सकते हैं। क्या तुम उस फूल को प्राप्त करने में मेरी मदद करोगी? कार्य तो बहुत कठिन है क्योंकि राजकुमारी चंद्रमुखी उस फूल को कभी अपने से अलग नहीं करती, किंतु आपका उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य कोई प्रयत्न करूंगी। यदि हम लोग फूल प्राप्त हो गए तो तत्काल फसल हो जाए और मेरी माँ का दिया हुआ वचन भी पूरा हो जाएगा और फिर मेरे पिता से रिश्ते भी लौट आएंगे और उसके पश्चात मेरे और माँ के समस्त रूप दूर हो जाएंगे। बस बस मुझे इतना ही कहना था। यदि ये बात है तो मैं आपको उस फूल तक अवश्य पहुंचाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे बगावत करनी पड़े या अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, किंतु हर स्थिति में वो फूल आपको अवश्य प्राप्त होगा, ये मेरा आपसे वचन है। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। इसमें उपकार की कोई बात नहीं है युवराज, ये तो मेरा धर्म है। यही नहीं, आपके पशु बनने का रहस्य भी मैं किसी पर उजागर नहीं करूंगी। यदि रूपनगर के महाराज ने भी मुझसे उस विषय में कुछ पूछा तो मैं असत्य बोलूंगी, किंतु ये भेद कभी नहीं खोलूंगी। Thank you.
मोहन सिंह। मेरा ये बूढ़ा मोहन सिंह हमसे फिर टकराया, अब पता नहीं हमें क्या कार्य देगा। प्रणाम भुवन सिंह जी। प्रणाम। प्रणाम। आपकी आयु बहुत लंबी है भुवन सिंह जी, बहुत लंबी, क्योंकि मैं और महामहिम अभी आपसे ही भेंट करने के लिए आ रहे थे। हाँ भुवन सिंह जी, हम आप ही से मिलने आ रहे थे। अच्छा हुआ आप यही मिल गए। भुवन सिंह जी, क्या ये सत्य है कि हमारी राजकुमारी महल से लापता हो गई है? हाँ ये सत्य है, अभी तक राजकुमारी चंद्रमणि का पता नहीं चल पाया, पता नहीं वो अपने कक्ष से कहां लुप्त हो गई। हे भगवान, हे भगवान, पता नहीं हमारी प्रिय राजकुमारी जी कहां चली। भुवन सिंह जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो महाराज से मिलने के लिए उनके कक्ष में चली गई हो? महाराज के कक्ष में गई होती तो हमें पता चल जाता, क्योंकि महाराज के कक्ष के बाहर पहरा दे रहे सैनिक इसकी सूचना हमें अवश्य दे देंगे। आप ठीक कह रहे हैं भुवन सिंह जी, महल में होने वाले किसी भी घटना की सूचना पहले आपको पता चल जाती है। अब हम क्या करें, राजकुमारी को कहां खोजें? हमें कोई मार्ग बताइए भुवन सिंह जी, राजकुमारी की चिंता हमें पागल किए जा रही है। यदि हमारा वश चलता तो हम इसी समय जाकर महाराज को सूचित कर देते कि पता नहीं उनकी लाडली पुत्री कहां लुप्त हो गई है। नहीं मामा, ये सही नहीं है। महाराज पहले से ही अस्वस्थ है, यदि उन्हें इस बात का पता चल गया तो हो सकता है कोई दूसरा अनर्थ हो जाए। नागराज ठीक कह रहे हैं, हम महाराज को अभी कुछ नहीं बताना चाहते। वो वैसे भी महाराज को रात्रि के समय नींद से जगाने की अनुमति किसी को नहीं है। भुवन सिंह जी, अब हमारे लिए कोई आदेश हो तो बताइए। ऐसी संकट की घड़ी में हम अपनी प्रिय राजकुमारी जी के लिए अपने प्राण भी त्याग सकते भुवन सिंह जी, क्यों महामहिम? हाँ भुवन सिंह जी, महेंद्र सिंह जी के आदेश पर हम पुराने महल में जाकर उस पशु से भिड़ंत करने ही वाले थे जिसने हमारे सैनिकों को मारा है। किंतु जैसे ही हमें राजकुमारी जी के लुप्त होने की सूचना मिली, हमने हमारे कदम वापस खींच लिए और आपसे मिलने निकल पड़े, और संयोग से आपसे हमारी भेंट ही हो गई। अब बताइए हम क्या करें? अभी तो उस बहुरूपी युवती से पूछताछ करने के पश्चात ही पता चलेगा कि आगे की क्या रणनीति बनाई जाए। वही युवती बता सकती है कि राजकुमारी के लुप्त होने का क्या कारण है। यदि आप आज्ञा दें तो हम उस बहुरूपी युवती की असलियत को पता कर सकते हैं। नहीं, ये कार्य हम और सेना प्रमुख जी खुद करेंगे। आप जाइए और ये पता लगाइए कि जिस पशु ने हमारे दो सैनिकों के प्राण छीने हैं, कहीं उस पशु ने किसी और सैनिक के प्राण तो नहीं लिए? यदि पथ में कोई शव मिले तो हमें तुरंत सूचित कीजिए। अब आप जा सकते हैं। जो क्या, हम जाकर देखते हैं कि पुराने महल के पथ पर कोई शव मिलता है अथवा नहीं। चलो नानाज। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, क्या बात है बाबा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? महारानी जी, अमावस की रात ने वनराज के हाथों फिर से अनर्थ करवा दिया। वनराज ने अमावस की रात को दो लोगों का रक्त बहा दिया महारानी जी। भगवान, अमावस की काली रात में फिर से हमारे पुत्रों का अपमान हुआ।
रूपनगर के अधिकारी पता नहीं वनराज का क्या असर करेंगे। हमारा पुत्र कैसा है और कहाँ है बाबा? महारानी जी, राज पुरोहित के संदेश वाहक ने बताया कि वनराज रूपनगर के महल में ही है और उस पर सुरक्षा की दृष्टि से गुप्त रूप से कड़ी दृष्टि रखी जा रही है। यदि वहाँ के अधिकारी क्रोधित हो गए तो वो वनराज को दंड देने का प्रयास भी कर सकते हैं। हमें बहुत चिंता हो रही है उसकी बाबा। आप चिंता बिल्कुल न करें महारानी जी, उन्हीं को कौन डाल सकता है। वनराज को दंड देना इतना आसान कार्य नहीं है महारानी जी। वनराज की शक्तियों को रूपनगर के अधिकारी अच्छी तरह से समझ गए। अब वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे उन्हें और अधिक हानि उठानी पड़े। वनराज कब तक रूपनगर की सेना से अकेला लड़ेगा बाबा? और रूपनगर के अधिकारी भी कब तक चुप बैठेंगे? कभी न कभी तो वो वनराज पर अपना क्रोध निकालेंगे। निकट भविष्य में अवश्य कोई अनिष्ट होने वाला है, इसकी आशंका हमें अभी से होने लगी है। मैं भी आने वाले समय का रूप देख चुका हूँ महारानी जी। आने वाला समय वनराज के लिए बहुत सारे संकट लाने वाला है। यदि वो समय वनराज ने संभाल लिया तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अन्यथा कुछ समय के लिए वनराज के प्राण संकट में भी पड़ सकते हैं महाराणी जी। नहीं बाबा नहीं, हम उसकी ऐसी स्थिति नहीं देख सकते। आप कोई उपाय निकालिए बाबा, आप उसकी जान बचा सकते हैं। नहीं महाराणी जी, मैं नहीं, अब तो केवल ईश्वर ही वनराज के प्राण बचा सकते हैं। और महारानी जी, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें एक महायज्ञ करना होगा। हम वनराज की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे, किंतु उसे कुछ नहीं होना चाहिए। महारानी जी, हमारी प्रार्थनाएं वनराज के लिए कवच के समान साबित होंगी, परंतु आप धैर्य पूर्वक वनराज के सुरक्षित लौटने की प्रतीक्षा कीजिए और तत्काल यज्ञ की तैयारी कीजिए। हम अभी तैयारी आरंभ कर देते हैं बाबा, शीघ्र बताइए हमें क्या सामग्री लानी होगी। नहीं महारानी जी, वो सामग्री आप नहीं ला सकती, क्योंकि वो सामग्री जंगल से केवल हम ही ला सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हवन की सामग्री कहाँ मिलेगी। बस आप निश्चिंत रहिए और वनराज की चिंता छोड़ दीजिए। हमें अब कुछ आशा की किरण दिखाई दे रही है, अब बताइए हम क्या करें। महारानी जी, आप पूर्व दिशा के जंगल की ओर चले जाइए और मैं हवन सामग्री लेके तत्काल वहां पहुंचता हूँ। प्रणाम। अब ऐसे क्या देख रहे हो?
अब तो सारे गांव वालों ने भी देख लिया है कि आप दोनों कितने पानी में। अब ये उम्र में आप लोगों को विवाह रचाते हुए लज्जा नहीं आई? अरे कम से कम ये तो सोचा होता कि आप दोनों के युवा पुत्र और पुत्री क्या सोचेंगे जब उन दोनों को आपकी करतूतों के बारे में पता चलेगा। तो कहीं पानी में डूब कर वो दोनों आत्महत्या कर लेंगे। अभी तक तो हम गाँव वाले कुंदन काका की बात पर विश्वास नहीं करते, किंतु आज हमें विश्वास हो गया। कुंदन काका जो कुछ कहते थे सत्य ही कहते थे। आज हमने भी कलयुग की महिमा देख ही ली। पता नहीं हमारी बहू बेटियों का क्या होगा। क्या कुंदन की तरह तुम लोगों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई? जो तुम लोग इस तरह की बातें कर रहे हो। हम लोग यहाँ शांति से हवन कर रहे हैं और तुम लोग यहाँ नीचता भरी बातें कर रहे हो। अब आप अपना विवाह मत छिपाइए देवधर बाबा। आप मेरे नेत्रों में तो काफी धूल झोंक चुके हो, लेकिन गांव वालों के नेत्रों में आप धूल नहीं झोंक सकते, क्योंकि गांव वालों को सत्य के दर्शन हो चुके हैं। क्यों गांव वालों? हाँ हाँ काका, आप सत्य कह रहे हैं। हाँ काका, आपकी बातों पर हमें विश्वास है। सुन लिया आप दोनों ने? यदि आप दोनों को विवाह ही करना था तो किसी भगवान के मंदिर में जाकर गांव वालों के सामने विवाह करते। इस तरह जंगल में छुप छुप कर विवाह रचाने की क्या आवश्यकता थी? बस करो कुंदन, भगवान के लिए बस करो, ऐसे असत्य मत बोलो। हमारे मांग में पहले ही वनराज के पिताश्री के नाम का सिंदूर भरा है और मरने के पश्चात भी उन्हीं के नाम का सिंदूर रहेगा। इस पापी और इन भोले भाले गांव वालों के सामने आंसू बहाने से कोई लाभ नहीं है महारानी जी। आप अपना ध्यान यज्ञ पर केंद्रित करें। हमें वनराज की रक्षा के लिए प्रार्थना करनी है। इस दूषित वातावरण में हमारा ध्यान कैसे लग सकता है पापा? पवित्र हवन कुंड की अग्नि में स्वयं को जलाकर राख से बदल जाए। नहीं महारानी नहीं, यदि आपने अग्नि में जलकर अपनी जान दे दी तो इसका पाप हमें लगेगा। आपको जो भी करना है हमारे जाने के पश्चात कीजिए। दूसरों की अग्नि में हम अपना हाथ क्यों जलाएं? चलो भाइयों, चलो। महारानी जी आप दुखी मत होइए। इस तरह के नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति सदा ऐसे ही विघ्न डालने के लिए जन्म लेते हैं। हमारा सब्र का बांध टूट गया है। हम कुंदन के घर जाएंगे और उसे अंतिम चेतावनी देकर समझाएंगे कि हमें सताना छोड़ दे, अन्यथा हमारा सतीत्व उसे जलाकर भस्म कर देगा। उसने अपनी हार मान ली, अब उसे चुकाने का और एक मौका मिलता है। कल्याण देखता हूं वो क्या कहती है। चाहते हो कुंदन?
क्यों हमारा और हमारे पुत्र का जीवन बर्बाद करना चाहते हो तुम? हम आज तुमसे यही जानने आए हैं कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम पूरे गांव को बुलाकर हम पर लांछन लगा रहे हो। अब मैं आपको क्या बताऊं महारानी जी, मैं तो सदा आपको प्रसन्न देखना चाहता हूं, लेकिन देवधर बाबा नहीं चाहते कि आप प्रसन्न रहे। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक, देवधर बाबा ही है जिन्होंने हमेशा हमारा आदर किया है और तुम उन्हीं को दोषी ठहरा रहे हो। मैं एक बार नहीं हजार बार कह चुका हूँ कि यदि देवधर बाबा का साथ आपने नहीं छोड़ा तो अपमान भरे आंसुओं के घूंट तुम्हें पीने पड़ेंगे। अभी भी समय है, आप देवधर बाबा से मिलना छोड़ दीजिए, जब देखना आपका सम्मान कितना बढ़ेगा। एक झूठे सम्मान के लिए देवधर बाबा जैसे देवता का साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे कुंदन। ये गांव तो क्या पूरे संसार का अपमान सहेंगे, किंतु देवधर बाबा का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर आपके भाग्य में अंधेरा ही अंधेरा है महारानी जी, आप जानते बूझते आपके साथ साथ आपके लापता पुत्र का भी भविष्य अंधकार में डाल रही है। मेरे लिए न सही, लेकिन आपके पुत्र के बारे में तो सोचिए, जो आपके कारण जाने कहां ठोकरें खा रहा है। हम अपने पुत्र के लिए ही हवन कर रहे थे जो तुम्हारे कारण अधूरा रह गया। वो किसी कार्य से बाहर गया है, जब लौटेगा तब हम स्वयं ये गाँव छोड़कर चले जाएंगे। तब तक हमें चैन से रहने दो कुंदन। नहीं महारानी नहीं, जब तक आपने मेरी बात नहीं मानी तब तक मैं आपको और उस देवधर बाबा को कभी चैन की सांस नहीं लेने दूंगा। यदि आपने अपना हाथ मुझे नहीं सौंपा तो इसी प्रकार आप रक्त के आंसू बहाती रहेगी। तुम नीच ही नहीं अधर्मी भी हो, तुम्हारे पापों का दंड तुम्हारी युवा पुत्री को भी भुगतना पड़ेगा। तुम्हें हमारा हाथ तो क्या, हमारी ज्योति भी नहीं मिल सकती। यदि आप मुझे इतना तुच्छ समझती है तो मैं आपका और आपके पुत्र का भविष्य बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा महारानी जी। जैसे अलकापुरी महल से आपको धक्के मार मार कर निकाल दिया गया था, ठीक किसी तरह ये सब गांव वाले मिलकर आपको धक्के मार कर इस गाँव के बाहर निकाल देंगे। तब आप अपना ये सुंदर चेहरा लेके कहाँ जाओगी, ये भी सोच लेना महारानी जी। हम कहीं भी चले जाएंगे किंतु तेरा घिनौना मुख देखने कभी नहीं आएंगे। अधर्मी, तेरा अंत बहुत बुरा होगा। जब तू मृत्यु के मुख में जाएगा तो तेरी अर्थी को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। क्या राजकुमार चंद्रपुर की महल से लुप्त हो गई? नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। आप सब लोग पत्थरों की तरह चुप क्यों खड़े? जिस राजकुमारी की रक्षा के लिए हमने अपना जीवन व्यतीत कर दिया उस राजकुमारी को आपने कहा कैसे मुक्त होने दिया? हमें जवाब चाहिए, जवाब, अन्यथा हम आप सबको फांसी पर चढ़ा देंगे। क्षमा कीजिए महाराज, आपका स्वास्थ्य पहले से ठीक नहीं है, अपने क्रोध को वश में रखिए। हम राजकुमारी जी को शीघ्र से शीघ्र खोज कर ले आएंगे। भवन सिंह जी, हमें अपने प्राणों की चिंता नहीं है, अगर हमारी राजकुमारी को कुछ हो गया तो हमारे प्राण वैसे ही निकल जाएंगे। जिस राजकुमारी को हमने वर्षों तक छुपा के रखा, जिस राजकुमारी के प्राणों को बचाने के लिए हम तरह तरह के प्रयत्न किए, आप सबने हमारी इस राजकुमारी को हमसे छीन लिया। क्षमा कीजिए महाराज, राजकुमारी चंद्रमुखी को हमसे कोई नहीं छीन सकता। आप विश्वास रखें, हम शीघ्र से शीघ्र उसका पता लगा लेंगे। हमारे कपूत चारों दिशा में फैल चुके हैं और शीघ्र से शीघ्र उसे खोज कर लाएंगे। और हमने रूपनगर की समस्त सीमाओं को बांध दिया है, कोई मनुष्य तो क्या
कोई परिंदा भी हमारे सीमा से बाहर उड़कर नहीं जा सकता। महाराज, सेना प्रमुख जी ठीक कह रहे हैं, राजकुमारी चंद्रमुखी को शीघ्र ही खोज लिया जाएगा। बस हमें हमारे गुप्तचरों की सूचना की प्रतीक्षा है। हम एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद हमारी राजकुमारी को किसने लुप्त किया है। महाराज, इसमें अवश्य ही हमारे किसी शत्रु की चाल है। हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि कोई कैसे इतनी भारी सुरक्षा के बीच से राजकुमारी चंद्रमुखी को अगवा करके ले गया। वैसे मुझे तो इसमें उस अपरिचित युवती की चाल लगती है जो स्वयं को राजकुमारी चंद्रमुखी बता रही है। कौन है वो अपरिचित युवती जो स्वयं अपने आप को राजकुमारी चंद्रमुखी बता रही है? हम इसी समय उसकी गर्दन छोड़ा देंगे। महाराज, रात को महल के गुप्त कक्ष में एक बहुरूपी युवती पकड़ी गई जो अपने को राजकुमारी चंद्रमुखी बता रही है। हमें तो लगता है कि वह स्वयं को बचाने के लिए ये नाटक कर रही है। उस बहुरूपी युवती के नाटक से पर्दा उठाना होगा, अन्यथा सारे संसार को आग लगा देंगे, रूपनगर को सुहा कर देंगे। ऐसा गजब मत कीजिए महाराज। वापस युक्ति हमारे सामने अधिक देर तक असत्य नहीं बोल पाएगी। अभी शीघ्र वह हमारे सामने टूट जाएगी। राजकुमारी के विषय में सबको सत्य सत्य बता दें। इसके लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए महाराज। सेना प्रमुख जी की विनती पर विचार कीजिए महाराज। हमें पूर्ण विश्वास है राजकुमारी चंद्रमुखी अति शीघ्र हंसते मुस्कुराते आपके सामने आ जाएगी। अरे वो हमारी भी धर्म पुत्री है महाराज। जितना दुख आपको हो रहा है उतना हमें भी हो रहा है महाराज। बस हम एक अवसर दीजिए महाराज। ठीक है, आप हमारे सबसे विश्वसनीय हैं भुवन सिंह जी, इसलिए हम आपकी प्रार्थना पर नहीं ठुकरा सकते। आपको एक दिन का समय देते हैं। अगर एक दिन के अंदर ही अंदर हमारी राजकुमारी चंद्रमुखी नहीं मिली तो हम रूपनगर को शमशान बना देंगे। शमशान। कुसुमी, तुम्हें तत्काल महामहिम राजवीर सिंह ने याद किया है। वो अपने कक्ष में बैठे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्षमा कीजिए नागराज जी, किंतु इस समय हम ये स्थान छोड़कर कहीं नहीं जा सकते क्योंकि स्वयं सेना प्रमुख महेंद्र सिंह जी ने हमें यहाँ पहरा देने का आदेश दिया है। अब यहाँ पहरा देने की क्या आवश्यकता है कुसुमी, क्या आवश्यकता है? जब राजकुमारी चंद्रमुखी अपने कक्ष से लुप्त हुई थी तब तो तुमने इस बात पर ध्यान दिया नहीं, और अब उनके लापता होने पर तुम उनके प्रति बड़ी गंभीरता दिखा रही। यदि हमें पता होता कि राजकुमारी चंद्रमुखी जी के ऊपर कोई भी संकट आने वाला है तो हम उनके कक्ष के द्वार से कदापि नहीं हटते। लेकिन हमें क्या पता था कि राजकुमारी चंद्रमुखी जी अचानक कहीं लुप्त हो जाएंगी। कुसुमी, अब अधिक चतुराई दिखाने का प्रयास मत करो। मुझे और महामहिम को तुम्हारी चाल का पता चल गया है। यदि सीधी उंगली से घी नहीं निकला ना तो मुझे विवश होकर तुम्हारी पोल खोलनी पड़ेगी। फिर याद रखना, ना तुम घर की रहोगी और ना ही घाट की। ये आप क्या कह रहे हैं नागराज जी? मेरी ऐसी कौन सी पोल है जिसे आप खोलना चाहते हैं? मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया जिसे मुझे पछताना पड़े। अब इतनी भोली बनने का नाटक बंद करो कुसुमी। यदि तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, जब महामहिम तुम्हें अपने ढंग से समझाएंगे ना कि तुमने क्या और कितना घोर अपराध किया है तो तुम्हारे पैरों तले से धरती सरक जाएगी और तुम्हारे पास आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। आत्महत्या। नागराज, आप
आप क्यों हमें भयभीत कर रहे हैं नागराज जी? मैं एक अबला नारी हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए और इस तरह संदेह करना बंद कीजिए। मेरा विश्वास कीजिए, हमने अपने सारे जीवन में राजकुमारी चंद्रमुखी जी की सेवा के सिवा और कोई कार्य नहीं किया। मैंने अपने जीवन में तुम जैसी मक्कार महिला कभी नहीं देखी, कभी नहीं खुश हुई। मैंने सुना था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, किंतु आज देख भी लिया है। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, अंतिम चेतावनी। अब भी समय कुसुमी, यदि तुम तत्काल महामहिम राजवीर सिंह से नहीं मिली तो तुम्हें अपना सारा जीवन रूपनगर के कारागार में एड़ियां रगड़ रगड़ कर बिताना होगा। चलता हूं। नागराज को यह पता चल गया है कि मैंने ही गुरुदेव को महल में पहुंचाया था। अब किसी तरह नाटक करके इस सत्य को असत्य सिद्ध करना ही होगा, अन्यथा प्राण भी जा सकते हैं। मैं भीतर आ सकती हूँ? अब क्या लेने आई हो तुम? जब नागराज तुम्हें बुलाने आया था तो तुम बहाने बनाने में लगी थी। हुजूर, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप मुझ पर इतना क्रोधित हो रहे हैं? मैं तो राजकुमारी चंद्रमुखी जी के पश्चात केवल आपका ही सम्मान करती हूँ, किंतु आप मुझे हमेशा धुतकारते रहते हैं। तुमने तो कार्य ही ऐसे किए कुसुम, और यदि तुम अब भी चतुराई दिखाती रही तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं। तुम्हारे पास अब भी समय, महामहिम के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लो, अन्यथा मृत्यु दंड के सिवा तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो सकेगा, कुछ नहीं। मृत्यु दंड? किंतु हुजूर, जब मैंने कोई अपराध ही नहीं किया तो मुझे मृत्यु दंड क्यों मिलेगा? मैं निर्दोष हूँ, मैं सच कह रही हूँ हुजूर। यदि तुमने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया तो हम तुम्हें इतना विवश कर देंगे कि तुम हमारे ही सामने नहीं अभी तो महाराज के सामने भी अपने हाथ पैर जोड़कर सब कुछ स्वीकारते जाओगे। कदाचित तुम जानती नहीं हो, हम अपने दंड के द्वारा अच्छे अच्छे अपराधियों का मुंह खुलवा चुके हैं। अब समय नष्ट किए बिना सत्य बता दो, ये हमारी अंतिम चेतावनी है। हुजूर, मुझे ये तो बता दीजिए कि मैंने किया क्या है? जब मैंने कोई अपराध किया ही नहीं है तो मैं उसके विषय में आपको क्या बता सकती हूँ? अच्छा, भोली बनकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना कोई तुमसे सीखे। बोलो, तुमने जादूगर विचित्र सेन की सहायता की या नहीं? यदि तुमने अपना राजद्रोह स्वीकार नहीं किया तो हम तुम्हें अपने कक्ष के गुप्त ठिकाने में सदैव सदैव के लिए बंद कर देंगे। इसके पश्चात तुम्हारे शव का भी पता नहीं चलेगा। हाँ, हमने ही जादूगर विचित्र सेन की सहायता की थी, हमने उसे महल के गुप्त कक्ष में छिपाया था। क्यों? क्यों तुमने उस दुष्ट और भयानक जादूगर को अपने गुप्त कक्ष में छिपाया? हजूर, उसने हमें डरा धमका कर विवश कर दिया था। नहीं, उसने तुम्हें डराया धमका नहीं था, अभी तू धन दौलत का लालच दिया था तुम्हें। नहीं हजूर, धन दौलत तो हमें राजकुमारी चंद्रमुखी जी ने भी बहुत दी है, हमें धन की कोई कमी नहीं है हुजूर। किंतु मैं जादूगर विचित्र सेन की धमकियों से भयभीत हो गई थी, इसलिए उसे इस महल में प्रवेश कराने का अपराध कर बैठी, जिसका मुझे बहुत पछतावा है हुजूर, बहुत पछतावा है। अब पछतावा करने से क्या लाभ होगा?
अब पछतावा करने से क्या लाभ होगा? तुमने जो घृणित कार्य किया है उसके कारण हमें राजकुमारी चंद्रमुखी को खोना पड़ा। अब लगे हाथों ये भी बता दो कि उस जादूगर विचित्रसेन ने राजकुमारी चंद्रमुखी को उस अपरिचित युवती में तो नहीं बदल दिया जो अपने आप को राजकुमारी चंद्रमुखी बता रही थी? ये मैं नहीं बता सकती हुजूर, क्योंकि ये मैंने अपने नेत्रों से नहीं देखा। कुसुमी, तुम फिर असत्य बोल रही हो। तुम सब जानती हो, सब। नहीं हुजूर, मैं कुछ नहीं जानती। जब मैंने जादूगर विचित्र सेन की सहायता करने का अपराध स्वीकार कर लिया तो मैं ये भी बता दी, किंतु मैं सत्य कह रही हूँ, इस विषय में मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है कुसुमी, किंतु राजकुमारी चंद्रमुखी गुप्त कक्ष से कहां लुप्त हो गई, ये रहस्य कौन खोलेगा? यदि तुम जानती हो तो बता दो, फिर हम भी तुम्हारे रहस्य को छिपाने का प्रयत्न करेंगे। हम वादा करते हैं। अब मुझे आप भले ही सूली पर चढ़ा दीजिए, किंतु मैं राजकुमारी चंद्रमुखी के विषय में कुछ भी नहीं जानती। हो सकता है जादूगर विचित्र सेन स्वयं को बचाने के लिए उस अपरिचित युवती में परिवर्तित हो गया, या फिर उस अपरिचित युवती को यहाँ छोड़कर राजकुमारी चंद्रमुखी जी के साथ जंगल में छिप गया हो।